पीपल आर वेरी स्मार्ट, पीपल कम विद दैट माइंडसेट कि नेटवर्क बनाएंगे, लोगों से, नए लोगों से मिलेंगे. गेटिंग मैरिड? मैं मजाक कर रही थी यार मैं. आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ऋतिक रोशन से मिले? आपका एक्सपीरियंस इस टाइम कैसा था? मैं बताऊंगी नहीं. जी हाँ दोस्तों, मैं शुभम तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने चैनल सुनर सीएस पर। और आज मैं बात करने वाला हूँ वेल नोन योगा ट्रेनर, पेंटर एज वेल एज क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, द ओनली वर्ल्ड सुरभि गांधी मैम जी से। तो मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने कीमती शेड्यूल में से हम बच्चों से बात करने के लिए समय निकाला। थैंक यू शुभम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. इट इज माय प्लेजर टू बी हियर. थैंक यू, वेलकम मैम। तो मैम से बातचीत स्टार्ट करते हैं, पर उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे हमारे बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना। तो मैम, सबसे पहले मैं चाहूंगा, जो हमारे नए ऑडियंस हैं, वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं है, बट फिर भी ड्यू टू सम फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स, मैं चाहूंगा आप एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे जो भी व्यूअर्स हैं उनको। So hi everyone, and thank you so much for inviting me, Shivam, for this podcast. So I am a chartered accountant by qualification, and with that, I am also a yoga trainer, an artist, and an anchor. I qualified in May 2022 attempt. So it's been almost 2 years to become a chartered accountant. And yeah, I am from Mumbai. What else? What else? Yeah, that's it. ओके, थैंक यू मैम। सबसे पहला सवाल जो बनता भी है, हर बच्चा जानना चाहेगा, क्या आखिरकार आपके दिमाग में कहाँ से आया आपको सीए करना है? आपका सेल्फ डिसीजन था या किसी कहने पे आपने सीए ज्वाइन किया, और कब आया ये? तो बेसिकली सीए 12th खत्म हुआ था मेरा, और मार्च में, और उसके बाद मेरे पास 10 दिन, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं. जैसे हर कॉमर्स का बच्चा होता है कि यार उसको कॉमर्स लेके कॉमर्स वाले सीए ही कर रहे होते हैं, बट आई वॉज वेरी श्योर कि मुझे सीए नहीं करना है. तो 12th के बाद आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग अदर करियर ऑप्शन की फैशन डिजाइनिंग, सिंगिंग, और दूसरी सारी चीजें, बिकॉज मेरे को ऐसा था नहीं कि मैं सीए बनूंगी या सीए नहीं करना था मुझे, बिकॉज सब आसपास सीए कर रहे थे. तो इसलिए 10 दिन आई वॉज जस्ट एक्सप्लोरिंग, और 10 दिन के बाद जब लास्ट डे ऑफ रजिस्ट्रेशन आ गया था सीपीटी का, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, इसलिए आई एनरोल्ड फॉर सीपीटी. मैंने देखा सीए फाउंडेशन, उस टाइम सीपीटी था, मैंने देखा कि यार चलो करके देखते, अगर हुआ तो ठीक, नहीं तो फिर ज्यादा से ज्यादा पता ही था करना ही नहीं है. एंड सीपीटी मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो गया, एंड उसके बाद फिर सिंस आई एंटर्ड दिस कोर्स, सो मुझे इसको खत्म करके ही निकलना था. सो हाँ, तो ऐसा नहीं है कि किसी के बोलने पर, बट हाँ मेरे पापा को भी करना था, तो इसलिए मतलब सपना पापा का था और उसे पूरा मैंने किया, तो इट फील्स गुड. बाकी हाँ कोई प्रेशर नहीं था, बस स्टार्ट किया था तो खत्म करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका योगा और पेंटिंग में कब आपको इंटरेस्ट आया? मतलब पहले योगा में आया या पहले पेंटिंग में आया, क्या था इसका पूरा, थोड़ा बताइए इसके बारे में। तो बेसिकली मैं जब छोटी थी तो मैं मेरी मम्मी के साथ योगा करती थी, और तब से आई बीन डूइंग इट फॉर अ लॉट ऑफ इयर्स. जब सीए आई बीन टीचिंग इट फॉर द लास्ट 5 इयर्स, तो मैं करती थी बिकॉज इट वॉज एज अ पैशन. मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इसको आगे जाके मोनिटाइज करूंगी या अपना प्रोफेशन बनाऊंगी, बट देन धीरे धीरे आई स्टार्टेड डूइंग इट. फिर वन ऑफ माई पिक्चर गॉट रिपोस्टेड बाई ऋतिक रोशन, और फिर ऐसे आई रियलाइज की बहुत यूनिक, लोगों को बहुत अच्छा लगता था, मैं करके सोशल मीडिया पे पोस्ट करती थी तो लोगों को बहुत अच्छा लगता था, तो इसलिए आई स्टार्टेड डूइंग मोर ऑफ इट. एंड देन आई वाज लाइक यार लोगों को इतना अच्छा लग रहा है तो लेट्स स्टार्ट टीचिंग इट, इससे पैसे कमाते हैं. बीइंग अ मारवाड़ी, एट द एंड यू हैव दैट मनी माइंडसेट. तो फिर मैंने कहा कि इसलिए आई स्टार्टेड टीचिंग. बाकी मुझे इसमें शौक बचपन से था, और पेंटिंग ये भी एक्चुअली मैं बचपन से ही करती थी, क्योंकि इट वॉज जस्ट एज अ पैशन. मतलब पेंटिंग तो आई लव डूइंग इट, जब भी ऐसे बहुत मोनोटोनस लाइफ होती है, आई जस्ट सिट, आई लव डूइंग कैनवास पेंटिंग, तो या आई डू इट, कुछ पिक्चर्स लगा देना स्क्रीन पे. ओके, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेरी आई है बच्चे की, हाउ टू यूज लिंक्डइन एज अ सीए स्टूडेंट? ओके. तो फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ग्रो करना है, यू नीड टू हैव अ लिंक्डइन प्रोफाइल, स्पेशली फॉर समवन जो आर्टिकलशिप ढूंढना चाह रहे हैं या जॉब ढूंढना चाह रहे हैं. इट इज अ मस्ट. इट इज जैसे आप इंस्टाग्राम, फेसबुक ये सब में अपनी आईडी बनाते हो, लिंक्डइन भी बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है.
इससे बेसिकली ना हर एक प्लेटफॉर्म का एक माइंडसेट होता है। जैसे इंस्टाग्राम पे लोग आते हैं थोड़ा ना टाइम पास करने, टाइम स्पेंड करने आते हैं, लिंक्डइन पे जाते हैं तो उनका अलग माइंडसेट होता है यार कि नेटवर्क करे, ग्रो करे, देखे कि यार कौन क्या कर रहा है, किसने क्या अचीव कर लिया है, किसका स्टार्टअप है, किसकी जॉब है। तो हर एक प्लेटफॉर्म का एक माइंडसेट है। तो लिंक्डइन पे पीपल आर वेरी स्मार्ट, पीपल कम विद दैट माइंडसेट कि नेटवर्क बनाएंगे, लोगों से, नए लोगों से मिलेंगे। तो अगर आपको तो सीए के लिए लिंक्डइन प्रोफाइल होना बहुत बहुत मस्त है। अगर आपको पता नहीं है कि ना लिंक्डइन पे आके क्या करें, फर्स्ट थिंग इज कनेक्ट विद लाइक माइंडेड पीपल, अपनी जो भी आप कर रहे हो उस लोगों से कनेक्ट करो। सेकेंड थिंग इज यू नीड टू हैव अ विजिबिलिटी। सी आज आपने मेरे को क्यों बुलाया पॉडकास्ट में, बिकॉज आपने मेरे को कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म पे देखा होगा, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे या लिंक्डइन पे, कहीं ना कहीं। द पॉइंट इज आप जितना लोगों को, अपने आप को विजिबल बनाओगे, उतना ज्यादा लोग आपको जानेंगे, उतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। वेरी सिंपल। तो इवन इफ यू आर अ सीए स्टूडेंट, अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे जाओ, आपने जो भी सीखा है, इट कुड बी इन योर सीए जर्नी, इन योर लाइफ, आपकी फेलियर स्टोरी, आपकी सक्सेस स्टोरी, आपके आर्टिकलशिप एक्सपीरियंस, आप चाहते हो कि किसको कुछ एडवाइस देना है, आप कुछ, यू नीड समवन एडवाइस, तो आई थिंक ये सब के लिए लिंक्डइन इज अ ग्रेट प्लेटफॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपका एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ऋतिक रोशन से मिले? आपका एक्सपीरियंस इस टाइम कैसा था? कुछ उसके बारे में तो बताइए, कैसे मिली, क्या हुआ? हाँ मैं बताती हूँ। तो बेसिकली 2020 में मैंने एक योगा पोस्टर क्लिक किया था, एंड देन उसमें मैंने उनको टैग किया था, उनको और उनकी ब्रांड को, एचआरएक्स को। सो दे रिपोस्टेड इट ऑन देयर पेज, और फिर उसके बाद से वहां से ऋतिक रोशन ने उनके इंस्टाग्राम स्टोरी पे पोस्ट किया था। तो हाँ, तो उसके बाद थोड़े साल बाद, आई थिंक 2 साल बाद, उसके बाद उनका एक इवेंट, उसके बाद आई बिकेम एन एचआरएक्स एथलीट फॉर हिज ब्रांड। तो उनकी एक ब्रांड है एचआरएक्स, विच इज इट टू स्पोर्ट एथलीजर वेयर और योगा फिटनेस से रिलेटेड है। उसके बाद आई गॉट अ चांस टू बी एन एचआरएक्स एथलीट फॉर हिज ब्रांड। उसके बाद उनके कुछ इवेंट्स जो होते थे एचआरएक्स के, वो उनके मुझे इन्वाइट आते थे, कुछ फ्री में पीआर पैकेजेस आते थे। उसके साथ साथ एक इवेंट था उसके बाद कुछ सालों बाद, जहाँ पे उनका मूवी की कुछ, आई थिंक 10 या 15 साल कुछ हो गए थे, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली। तो वहां पे मैं उनसे मिली थी, एंड इट इज वेरी नाइस, बहुत मजा आया था। उसके बाद मैंने उनको वो योगा पिक्चर भी बताया था जो उन्होंने ही रिपोस्ट किया था कुछ साल पहले, एंड ही वाज शॉक्ड, मतलब उनको भी नहीं पता चला कि वो कैसे किया था। आई विल पुट द योगा पिक्चर हियर ऑल्सो। तो हाँ, इट इज, इट लुक्स मैजिकल, बहुत अनरियल है, मुझे नहीं पता कि कितने लोगों ने देखा है, बट आई विल गिव यू, आप यहाँ पे लगा लेना। नेक्स्ट ये है कि अगर एक सीए स्टडीज के साथ आप अपने पैशन को कैसे मैनेज करें, कि मतलब क्या करें, पहले चीज पे फोकस करें, दूसरे फोकस करें, या कंबाइन करके चलें, आपके क्या थॉट्स सी हैं? फर्स्ट थिंग इज यू नीड टू अंडरस्टैंड कि जो बच्चा सीए कर रहा है ना, कुछ सालों बाद भाई वो पढ़ता रहेगा, कभी ना कभी सीए बन जाएगा। जब आप मार्केट में बाहर जाओगे, यू नीड टू हैव सम डिफरेंशिएटिंग फैक्टर जो आपको दूसरे कैंडिडेट से अलग बनाता है। तो फर्स्ट थिंग इज ऑलवेज फोकस ऑन एक्स्ट्रा स्किल्स, रादर देन कि भाई पढ़ लिया पढ़ लिया, पढ़ पढ़ के यार मतलब तुम्हारे पास वोकेश नॉलेज होगा। तो अगर यू नीड टू हैव बिल्ड दैट ओवरऑल पर्सनैलिटी फॉर योर सेल्फ, तो उसके लिए फर्स्ट थिंग आई वुड से इज फोकस ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स। जितनी छोटी से छोटी अपॉर्चुनिटी भी मिलती है ना कहीं पे, कोई स्टेज दिख रहा है, कॉलेज हो या कहीं पे भी हो, मेक श्योर दैट यू टॉक ऑन दीज प्लेटफॉर्म। इससे क्या, अगर तुम गलती भी करोगे तो छोटे लेवल पे हो जाएगी, तो जो फेल भी हो जाओगे जल्दी हो जाओगे। इनफैक्ट इट इज गुड टू फेल, बट फेल पास, अगर ताकि आगे जाके यू नो यू बिकम ग्रूम्ड, मतलब आगे जाके आपको वो फेस नहीं करना पड़े। बहुत बच्चे मैं देखती हूँ कि हेजिटेट करते हैं बोलने में, या फिर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाते हैं और उनको सब ऐसे एकदम फॉरेन जैसे, मतलब ऐसे लगता है कि सब नया नया है। तो वो, तो यू नीड टू बिल्ड, वर्क ऑन योर स्किल्स। सेकेंड थिंग इज, हर इंसान में आई फील कि कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है जो वो पढ़े के चक्कर में उसे दबा देता है, मतलब या तो टाइम नहीं मिलता है या ये, बट मैं मानती हूँ कि सही टाइम पे आप सही चीज करोगे ना, तो आपको सारी चीजें करने मिलेगी। अब जब पढ़ाई है, जब पता है कि 6 महीने में एग्जाम आ रहे, 4 महीने में एग्जाम आ रहे, तो सब बंद करके सिर्फ पढ़ाई करो, उसमें अपना बेस्ट दो। फिर पता है एग्जाम खत्म हो गए, 2 महीने की छुट्टी मिलती है, तब इंजॉय करते हो और तब सोचते हो काश पढ़ लिया होता। तो पढ़ाई के टाइम पे पढ़ाई करो, मस्ती करने के टाइम पे मस्ती करो, जब जो टाइम मिल रहा है उसको यूटिलाइज करके ये सोचो यार कि इस टाइम को मैं अपना बेस्ट कैसे बना सकता हूँ, और जो भी करो ना एकदम दिल से करो और उसमें अपना बेस्ट दो। तो भले फिर पढ़ाई भी करोगे तो आपको पता है कि आपने अपना बेस्ट दिया, आउटकम अच्छा ही आएगा।
अगर पैशन को फॉलो करोगे, आपको पता है कि आप दिल जो करो उसको एंजॉय करके करोगे ना, तो अपने आप आपके रिजल्ट आपके फेवर में होंगे। बस सही टाइम पे सही चीज करो, ऐसा नहीं कि पढ़ाई का टाइम है और तुम सोशल मीडिया चला रहे हो, देख रहे हो रील स्क्रॉल कर रहे हो, देख रहे हो कि किसकी लाइफ में क्या चल रहा है, और फिर एग्जाम खत्म हो गए मजे करने का टाइम है तब सोचो काश पढ़ लिया होता। तो सही टाइम पे सही चीज करो एंड हैव समथिंग, मतलब जो तुमको दैट कीप्स यू पैशनेट, मतलब किसी को गाना पसंद है डांस करना पसंद है करो करो, और सोशल मीडिया पे डाल दो। कभी कभी क्या होता है चार लोग तारीफ करते ना, तुम्हें पता नहीं होता तुम्हें ये इतनी अच्छी चीज है, चार लोग तारीफ करते वो लग चार लोगों को अच्छा लगता है, तुम्हें लगता है ओ तुम ये इसमें भी अच्छे हो। तो आई थिंक खुद के लिए खुद का कॉन्फिडेंस बिल्ड करना बहुत जरूरी है। ओके मैम, ओके थैंक यू मैम। मैम नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, वैसे तो आपको ज्यादा साल नहीं हुआ एज अ सीए, बट फिर भी 2 साल में आपकी इंक्रीमेंट कितनी हुई पैकेज में? इंक्रीमेंट सी मतलब कितने बेसिकली गुना हुई है, क्या हुआ है? तो सीए बनने के बाद या तो इंसान जॉब कर सकता है या खुद की प्रैक्टिस कर सकता है, और या तो खुद का कुछ स्टार्ट कर सकता है, विच इज नीदर जॉब नॉर प्रैक्टिस। तो मुझे शुरू से जब मैं आर्टिकलशिप कर रही थी तो मुझे एक ही समझ आ गई थी कि मेरे को जॉब में इतना इंटरेस्ट नहीं है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इंटरेस्ट नहीं है, तो नाउ आई एम नॉट इन टू जॉब। तो एक सेकेंड, तो हाँ, तो आई एम नॉट इन टू जॉब, तो वो जो इंक्रीमेंट होता है ये जॉब में होता है, मैंने चूज किया कि मुझे जॉब नहीं करनी है। तो मैं खुद का आई हैव माई योगा ब्रांड, आई हैव माई फिटनेस ब्रांड एंड आई हैव माई कॉन्टेंट क्रिएशन दैट आई एम वर्किंग ऑन। इसमें भी कुछ तो इंक्रीमेंट हुआ होगा कि कितना इंक्रीमेंट हुआ है कुछ? सी आई टेल यू, सी बेसिकली दिस डिपेंड्स अपॉन आपकी मेहनत, आप जितनी मेहनत करोगे उतने ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें ऐसा नहीं कि यार साल खत्म हुआ तुम्हें 10% इंक्रीमेंट मिल रहा है, साल ये हुआ तुम्हें 20% ये मिल रहा है। सो आई ऑलवेज हैड कि मुझे पता था कि पहले कॉर्पोरेट जॉब में मेरा इंटरेस्ट है नहीं तो वो मुझे करना ही नहीं था। अब दूसरी चीजें जो मुझे करनी है उसमें आई मेक श्योर कि ना जितना इंसान जॉब से कमा रहा हो एटलीस्ट उससे थोड़ा ज्यादा ये हो। ओके ओके थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोस्टली लोग जानना चाहते हैं, कई बच्चों की क्वेरी आई थी कि व्हेन यू गेटिंग मैरिड, मैं अभी अभी ये पॉडकास्ट खत्म होने के बाद शादी कर ओके रही हूँ। ओके नहीं, क्या ओके क्या बोल रहे हो, मान मैम भी गए। आपने नहीं व्हाट यार सी आई हैव 3 2 3 साल है, 3 4 साल है टाइम है, मेरी एक बड़ी बहन भी है तो पहले उसकी होगी शादी। मैंने बोला मैं ये पॉडकास्ट के बाद शादी कर रही हूँ, मान गया। बोलो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि विच आसन कैन हेल्प टू लर्न थ्योरी सब्जेक्ट, ऐसा कोई आसन है जो हम लोग के माइंड को अच्छा आई टेल यू करे? वन थिंग, जब भी आप पढ़ाई कर रहे हो ना आपका माइंड शांत होना बहुत जरूरी है भाई। लाइफ माइंड जब शांत होएगा ना तो जो भी पढ़ोगे वो याद रहेगा और वो एग्जाम तक याद रहेगा। तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि कोई आसन वासन नहीं भी आता है ना तुमको भाई, बुक बंद करके मेडिटेशन कर लो। और मेडिटेशन में क्या करना है वो भी नहीं पता है, ब्रीदिंग पे फोकस करो, ब्रीदिंग नहीं हो रही है विजुअलाइजेशन करो, सिंपल चीज, बस माइंड शांत रखो। ये एक छोटी चीज भी अगर इंसान समझ गया ना कि माइंड शांत रखोगे तो भी आप यू नो बहुत आगे जो भी पढ़ोगे अच्छा अच्छे से याद रहेगा। सो फोकस ऑन मेडिटेशन एंड ट्राई टू चेंज योर एनवायरनमेंट। कभी कभी कहते हैं चार रूम दीवार में बंद होके तुम्हें बहुत सफोकेटेड फील होता है, यार पढ़ रहे हो वही सेम रोज रोज रूटीन, 10 मिनट के लिए वॉक पे चले जाओ, अपना एनवायरनमेंट चेंज करो, थोड़ा सा यू नो म्यूजिक सुन लो मोटिवेशनल, बट ऐसा कुछ भी नहीं करना है जो इंस्टेंट डोपामाइन हिट देते, जैसे सोशल मीडिया भाई 20 मिनट चला रहे हो 2 घंटे निकल गए, 10 मिनट एनवायरमेंट चेंज करने के लिए मे बी यू नो जगह चेंज कर दो, बट अपना वो चेंज मत करो बुक खोल के, बुक बंद करके तुम मोबाइल चला रहे हो वो चेंज मत करो। अच्छे से माइंड को शांत रखो, माइंड को फ्रेश रखो, सोने का जगने का टाइम फिक्स रखो, और हाँ जब माइंड शांत रहेगा ना तब अपने आप पढ़ाई भी अच्छी होगी। मैम हम लोग का एक रैपिड फायर होगा, इसमें आपको सारे क्वेश्चंस के जवाब, 3 4 क्वेश्चन होंगे, एक वर्ड में या 2 वर्ड में देना है, ठीक है? ओके ठीक है डन, ओके। ड्रीम ड्रीम वेकेशन, वेकेशन मालदीव्स। ओके मैम। फेवरेट कोट, इफ यू वांट टू शाइन लाइक अ सन फर्स्ट लर्न हाउ टू बर्न लाइक इट, ओके मैम। आई थिंक विवेकानंद, एपीजे अब्दुल कलाम। ओके सॉरी। ये नेक्स्ट एक कोट था जो सॉरी, ये कोट था जो ना मैं हमेशा एवरी टाइम अपने आप को, जब मैं सीए कर रही थी ना तब मैं बोलती थी मुझे ऐसा लगता था यार कितना प्रेशर है, कितना
पढ़ना पड़ रहा है, कितना डर लग रहा है. तो आई यूज टू टेल माई सेल्फ कि अगर इफ यू वॉन्ट टू शाइन लाइक अ सन यू विल हैव टू बर्न लाइक इट. तो ओके नेक्स्ट है फेवरेट क्लॉथिंग ब्रांड। फेवरेट क्लोथिंग ब्रांड, ऐसे मेरी कोई स्पेसिफिक ब्रांड नहीं है कि भाई यही मुझे जो भी पसंद आए आई कैन बाय, फिर भले वो ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो. बट इफ देर इज स्टिल अ ब्रांड इट हैज टू बी मैंगो करके एक ब्रांड है. टफेस्ट 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 योगासन। तो जो मैंने ऋतिक रोशन ने रिपोस्ट किया था ना वो वाला, इट वाज अ वन, मैं बताऊंगी नहीं. इट लुक्स मैजिकल. तो वो वाला आसन आई विल पुट द पिक्चर ओवर हियर. ओके अभी तक का टफेस्ट सही है. आखिरी में एक कोई फेवरेट सॉन्ग आपका, जहां तक मैंने समझा है आप पहले सिंगिंग में जाने वाली थी, तो एक सॉन्ग फेवरेट है। नहीं नहीं गाऊंगी तो नहीं. एक्चुअली मुझे पहले बहुत ऐसा था कि मुझे सिंगर बनना है, फिर मुझे याद आया कि सिर्फ मेरे नाम में सुर है आवाज में नहीं. तो फिर बट इफ देयर हैज टू बी वन सॉन्ग दैट आई लव लव, और ये आई एम टेलिंग यू दिस सॉन्ग इज वॉज लाइक अ प्रेयर टू मी. ये मेरे लिए ना एक प्रेयर था. ये मैं एवरी सिंगल डे पढ़ने से पहले सुनती थी. एवरी सिंगल डे मतलब इट वॉज पढ़ाई करने से पहले मैं ये सॉन्ग सुनती थी. एंड दैट वॉज लक्ष्य मूवी का एक सॉन्ग है, लक्ष्य तो हर हाल में बाना है. इट यूज टू मोटिवेट मी, एनर्जाइज मी. तो दैट वॉज माई फेवरेट, दैट इज माई फेवरेट सॉन्ग. ओके मैम, कैसा लगा आपको इस पॉडकास्ट के बाद थोड़ा सा? मुझे मजा आया, बहुत अच्छा लगा. थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी. एंड गाइस प्लीज प्लीज सब्सक्राइब टू हिज यूट्यूब चैनल. मैं अपने भी लिंक डाल दूंगी. प्लीज मेक श्योर दैट यू लाइक कमेंट फॉलो शेयर सब्सक्राइब. अपने सीए फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना. इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स गाइस टू मेक अ पॉडकास्ट, टू शूट, टू एडिट, टू कोऑर्डिनेट एवरीथिंग. सो प्लीज मेक श्योर कि आप इनके चैनल को भी सब्सक्राइब करो एंड सपोर्ट करो. आई एम श्योर ही विल कम विद ग्रेट कंटेंट अलग अलग सीए के साथ. आप इनसे बहुत कुछ सीखोगे, आप ये चैनल से बहुत कुछ सीखोगे. तो गाइस एक लाइक एक कॉमेंट और प्लीज सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू सो मच मैम, आपने फिर से, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने समय निकाला हमसे बात करने के लिए, हम बच्चों से बात करने के लिए। और आप लोग को भी मैं सजेस्ट करूंगा तुरंत तुरंत जाके मैम के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे मैं मैम का चैनल जो है थैंक वो मेंशन कर दूंगा। मैम भी पॉडकास्ट करती हैं, योगासन करवाती हैं और पेंटिंग भी मैम क्या आपको बेहतरीन इनके चैनल पे, इनके इंस्टाग्राम पेज पे आपको देखने को मिल सकती है। तो मैम धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों आपको ऑल द भी। बेस्ट.